hello dear students now let us start our chapter number 10 the name of this chapter temperature so what is this temperature here i am telling you some points okay so number 1 temperature is a property of matter that expresses the notion of cold and hot it means temperature is defined to coldness and hotness that about the object ऑब्जेक्ट कैसा है कोल्ड है हॉट है सो दैट द जो फीलिंग अपन को होती है दैट इज कॉल्ड है टेम्परेचर ओके एंड हाउ वी कैन मेजर दिस वन टेम्परेचर थ्रू थर्मोमीटर रिमेंबर ऑल्सो एंड द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स बॉडी ह्यूमन्स बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर व्हाट इज इट जो अपना नॉर्मल टाइम पे रहता है व्हाट द टेम्परेचर इट इज इन फेर 98.4 डिग्री दिस इज कॉल्ड ए डिग्री ओके एंड दिस इज़ द थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस वी हैव टू डिनोट डिग्री डिजिट के ऊपर ऐसे लिखते हैं वी हैव टू राइट लाइक दैट जैसे टू लिखा और टू के ऊपर यहाँ पे मैंशन करते दिस इज कॉल्ड ए डिग्री ओके सो ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर रहता है अपनी बॉडी का

नाउ द नेक्स्ट टॉपिक यू विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट टू ईच अदर मतलब एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट किया जाता है सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न सेल्सियस को फेरिनाइट में कन्वर्ट करना है सो हियर दिस सी इट्स डिनोट टू सेल्सियस एंड एवं ज डिनॉट टू फेरेनाइट सो वी हैव टू कन्वर्ट द सेल्सियस इंटू फेरेनाइट सेल्सियस को फेरेनाइट में कन्वर्ट करना है सो वट इज द फॉर्मूला फेरेनाइट में कन्वर्ट करना है तो फेरेनाइट यहां लिखेंगे इक्वल टू नाइन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाई सी प्लस थर्टी टू रिमेंबर दिस वन पॉइंट ऑलवेज ओके एंड इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट फेरेनाइट इंटू सेल्सियस फेरेनाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है सो सेल्सियस वन फार्मूला वी विल यूज इट ओके जिसको विच वन

एक्सरसाइज टेंट प्रिंट वन क्वेश्चन नंबर वन फिलिंग द ब्लैंक्स डॉक्टर यूज अ डैश टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अस पर्सेंट वट वी हैव टू वट द डॉक्टर विल यूज थर्मोमीटर टू चेक कि पर्सन क्या है कैसे है कोल्ड हो रहा है उसको या फिर हॉट है कैसे है ठंडा है गर्म देन आफ्टर आइडेंटिफाई कि उसको क्या प्रॉब्लम है ओके सो थर्मोमीटर इज टेलिंग टू असिक्स पर्सन टेम्परेचर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर इन डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में कितना होता है जीरो डिग्री एंड इन फेरेनाइट थर्टी डिग्री फेरेनाइट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बींग्स इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस हियर वी आर गिविंग द आंसर इन सेल्सियस सो थर्टी सेवन एंड फेरेनाइट ऑलरेडी आई टोल्ड यू नाइनटी एट पॉइंट फोर डिग्री फेरेनाइट रिमेंबर इट फॉर अ फेरेनाइट ऑल्सो okay the instrument used to measure temperature is called thermometer clinical thermometer you can say also the boiling point of a water in degree celsius 100 degree and 212 degree fahrenheit okay so you can fill in book and then after note down in your copy now question number 2 convert the following temperature into fahrenheit scale so we have to convert in fahrenheit scale so we are using fahrenheit one formula okay so what is it you can see the solution writing first fahrenheit formula 9 upon 5 multiply by c this one formula i am using okay first write the formula f equal to 9 by 5 multiply by c then plus 32 now replace this C plays the caution. Does it? Okay, right here the 90 degree. Okay, then after just multiply this 9 to 90, then you will get here 810 degree. Okay, then divide this 5 in this 810, then you will get here 162, and then after plus this 32, then you will get here 194 degree Fahrenheit.

45 degrees Celsius. This is the formula we have to replace instead of the C, that is it, then you will get here 45. Just multiply this 45 to 9, then you will get here 405, divide this by 5, then you will get here 81. Okay. Now just add them, then you will get here 103 degree Fahrenheit because you are converting to Fahrenheit. So write also in end of the answer this F symbol also. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री कन्वर्ट दल एंड टेम्परेचर इंटू सेल्सियस स्केल सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को चेंज करना है सो वी आर यूजिंग सेल्सियस वन फॉर्मूला वट इट इज क्या होगा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्सियस एफ माइनस थर्टी टू इंटू फाइव बाय नाइन रिमेंबर इट दीज आर द टू फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जन ओके नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एफ एफ की जगह रिप्लेस करना है दिस वन डज इट राइट इट एंडन सप्रैक्ट इट फ्रॉम दिस थर्टी टू देन यूल गेट हीय टू हंड्रेड फाइव नाउ जस्ट मल्टीप्लाई द बोथ दैन आफ्टर डिवाइड बाई नाइन देन यू विल गेट हीन वन थ्री पॉइंट एट डिग्री सेल्सियसवेज कमिंग द आंसर इन यूर डिग्री डोंट फॉरगेट इट आंसर हमेशा डिग्री में आएगा नेक्स्ट वन वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन डिग्री फाइन So here f minus 32. So already I replaced this digit instead of this f 167 minus 32 multiplied by five by nine. Subtract it, then I will get here 135. Just multiply this five, then 675 nine Divide by nine. Then you will get here 75 degree Celsius. Okay. So I have solved these two cautions of each part okay now you can do this c1 as a homework and note down this fill in the blanks also and i will you can take a screenshot and you can note down these are the formula uh, these are the important point from 1 to last one thank you all of you take care bye bye